सो हेलो इंजीनियर्स वेलकम बैक तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एस्टीमेशन तो एस्टीमेशन हम लोग आज निकालने वाले हैं ब्रिक्स के ऊपर कि हम लोग कैसे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे और वो उस ब्रिक का हम लोग कैसे कॉस्ट निकालेंगे ठीक है मतलब कोई भी वॉल है तो वो वॉल में कितने ब्रिक्स लग रहे हैं अगर वो उस वॉल में इतने ब्रिक्स लग रहे तो उसमें कितना पैसा लगेगा हम लोग उस ब्रिक के लिए ठीक है तो चलिए दोस्तों शुरू कर

एरिया निकला है वॉल्यूम निकला है उसका ब्रेक निकला है जैसे इस शो पे क्लिक करूंगा तो ये आपको और भी अलग अलग व्यू दिखाते रहेगा जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक द शो बटन मल्टीपल टाइम्स फॉर डिफरेंट व्यूज यहाँ पे शो पे क्लिक करा ओके okay करूंगा ये साइट व्यू ओपन हो गया फिर से क्लिक करा ये ग्राउंड लेवल आ गया फिर से शो पे क्लिक करा लेवल वन आ गया कुछ फिर शो करा यह आपका नॉर्थ व्यू आ गया नॉर्थ एलिवेशन ईस्ट एलिवेशन वेस्ट एलिवेशन साउथ एलिवेशन ये आपका थ्री डी दिखा रहा है अब जैसे यहाँ पे क्लोज करूँगा तो वो आपका सेलेक्ट ही रहेगा ऐसा नहीं कि मैंने इसको क्लोज़ कर दिया तो वो डिसलेक्ट हो जाएगा तो ये आपको बता दिया कि इस वॉल का मुझे कितना लग रहा है यहाँ पे कहाँ गया मेरा वो आर्किटेक्चर में आता हूँ व्यू में आया ंडो टू यहाँ पे शीट नहीं दिख रही शेड्यूल में जाता हूँ वॉल शेड्यूल मेरा ये वाली इसका आया था ट्वेंटी फाइव फिट सिक्स इंच का ठीक है तो आप लोग क्या करना है बस सिंपल क्लिक करना है क्लिक करने के बाद हाईलाइट करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि अलग अलग वॉल का यहाँ पे लेंथ निकला है उसका वॉल्यूम निकला है उसका विट निकला है और नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने ब्रिक्स लगेंगे और उस ब्रिक्स में कितना हमको पैसा लगेगा ठीक है यहाँ पे देखो उसका कैलकुलेशन भी है पूरा तो ये हम लोग कैसे करेंगे तो जल्दी दोस्तों शुरू करते हैं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा इस प्लिंथ लेवल पे आ जाता हूँ और बाकी व्यू को क्लोज़ कर देता हूँ तो क्लोज़ इनएक्टिव में आया सारा क्लोज़ हो गया तो हमारा पास प्लिंथ लेवल चालू है ओके एक नॉर्मल से यहाँ पे ये प्लान बना हुआ है इसको मैंने बनाया सिंपल से आपको थ्रेडी दिखा देता हूँ तो इस तरीके से है छोटा सा ओके वापस से मैं इसको क्लोज़ करा तो शेड्यूल करने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आप लोग व्यू टैब में आना है व्यू टैब में आने के बाद यहाँ पे दिया है शेड्यूल इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया है शेड्यूल एंड क्वांटिटीज ओके यहाँ पे क्लिक करा मैंने यहाँ पे आप लोग का पूरा चेक रहेगा इस तरीके से तो आपको क्या करना होगा ये ऐसे रहेगा तो आपको इस तरीके से दिखेगा शो ऑल लिखा है यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम लोग अभी आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं तो इसको आर्किटेक्चर कर देंगे आर्किटेक्चर किया इसको ओके करा ठीक है यहाँ पे मुझे क्या करना है वॉल का निकालना है वॉल का शेड्यूल करना है तो इस वॉल को सेलेक्ट करा ठीक है यहाँ पे आप नामकरण कुछ भी कर सकते हो मेरा पहले यहाँ पे वॉल शेड्यूल बन चुका है इसलिए यहाँ पे आप वॉल शेड्यूल टू दिखा रहे हैं ठीक है थीके? तो ये वॉल शेड्यूल टू है इसको यहाँ पे जाके इसको ओके okay कर दूंगा ठीक है अब यहाँ पे बोल रहा है शेड्यूल प्रॉपर्टीज़ एक अलग डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें लिखा रहेगा शेड्यूल प्रॉपर्टीज़ उसमें आपको क्या क्या चाहिए ठीक है जैसे मुझे एरिया चाहिए एरिया को लिया यहाँ पे डाल दिया ये क्या है आपको जो जो चीज़ आपको लानी है तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा किसकी हेल से इसकी हल से ऐड पैरामीटर्स ठीक है यहाँ पे एरिया ला दिया मेरे को वॉल्यूम भी चाहिए इसका वॉल्यूम चाहिए विड्थ भी चाहिए और लेंथ भी चाहिए ये लेंथ आ गया ठीक है अब यहाँ पे मैं इसको ओके okay कर दूंगा तो देखो आपका ये वॉल शेड्यूल यहाँ पे आ गया है ठीक है एरिया दिखा दिया वॉल्यूम दिखा दिया विथ्थ बता दिया लेंथ बता दिया जहाँ पे विट मेरी मतलब नौ इंची की दीवार है वहाँ पे नौ इंची का यहाँ पे दिखा रहा है जहाँ पे छः इंची का है वहाँ पे छः इंची का दिखा रहा है ठीक है अब क्या करना है मुझे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है और कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स निकालना है ठीक है तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे फील्ड्स में जाएंगे फील्ड्स में यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज पैलेट में आए प्रॉपर्टीज पैलेट में यहाँ पे फील्ड दिख रहा है यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिया है एफ ठीक है यहाँ पे एफ में क्लिक करा नेम आपको पहले क्या निकालना है मुझे निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स तो यहां पे मैं टाइप कर दूंगा नंबर ऑफ ब्रिक्स ठीक है नंबर ऑफ ब्रिक्स डाला इसके बाद हम लोग कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे ठीक है अब यहां पे फॉर्मूला थोड़ा सा कैलकुलेशन और इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता रहना चाहिए ठीक है अब ज्ञान की बातें करते हैं ठीक है अब जैसे कि हम लोग को पता है कि एक मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स रहते हैं Obviously, 500 bricks होते हैं, ओके? और जो ब्रिक का साइज होता है जो उसका जो स्टैंडर्ड साइज है मैं अगर उसको meter में तो by by ओके? Meter में तो क्या बताया? बताया, उसका ठीक बता है? Brick का size, एक brick का एक और अगर इसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना आएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो नाइन मीटर क्यूब ठीक है पर ये क्या है ये विदाउट मोटार है इसमें हम लोग मोटार को ऐड नहीं करे हैं तब इसका साइज कितना आया जीरो पॉइंट वन नाइन बाई जीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन बाई जीरो पॉइंट जीरो नाइन और इसका वॉल्यूम निकाले तो कितना आया जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन फाइव थ्री नाइन मीटर क्यूब ठीक है अब हम लोग रेविड में जो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे ठीक है तो इसमें हम विद मोटार का यूज करेंगे ठीक है? तो इसमें मैं मोटार यूज करूंगा 0.01 मीटर, ओके? तो इसमें लोग का, का साइज कैसे हो जाएगा अब ये हो जाएगा हमारा पहले जो था आपका 0.19 नाइन .01 कर जीरो मतलब कि मोटार को ऐड कर दिया तो ये आपका अब ब्रिक का साइज क्या हो जाएगा 0.20 पॉइंट टू जीरो पॉइंट वन बाई जीरो मीटर क्यूब अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूं तो कितना आ जाएगा आपका 0.002 मीटर क्यूब ओके तो हम लोग जो रेविट में यूज़ करने वाले हैं वो हम लोग यूज़ करेंगे ब्रिक विथ मोटार ओके तो अब रेविट में वापस आते हैं तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो फार्मूला लिखा है तो फार्मूला क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे यहाँ पे इसको क्लिक करा और यहाँ पे ले लूंगा मैं वॉल्यूम पे क्लिक करूंगा उसके बाद ओके पर क्लिक करूंगा ओके okay बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको वॉल्यूम को डिवाइड कर दूंगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू मीटर क्यूब अब मीटर क्यूब में कैसे लिखूंगा यहाँ पे एम लिखा और शिफ्ट के साथ मैं सिक्स दबाऊंगा तो ये मेरा एक एरो आएगा इस तरीके से और यहाँ पे मैं थ्री टाइप कर दूंगा ठीक है तो वॉल्यूम फॉर्मूला क्या हो गया वॉल्यूम बाईस जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू मीटर क्यूब ओके तो इससे क्या आ जाएगा मेरा नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा ओके एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूं अगर आपकी ड्रॉइंग फिट इंचेस में हो एम mm एम में हो सेंटीमीटर में हो या किसी चीज़ में हो जैसे अभी मेरी ये जो ड्रॉइंग है वो किस में बनी है फिट इंचेस में बनी है पर अभी मैं जो वैल्यू ले रहा हूँ मतलब जो फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं किस में चल रहा हूँ मीटर में चल रहा हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी ड्राइंग कोई भी डायमेंशन में बनी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बस आपका फॉर्मूला सही सटीक होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा इसको ओके क्लिक करा अगेन मैं ओके करूंगा तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स इस तरीके से दिखा रहा है पर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि टू सेवन एट सेवन पॉइंट के बाद आपको इतना सारा डिजिट दिखा रहा है मैं चाहता हूं कि मेरा एक सिंगल डिजिट रहे जैसे कि टू थ्री एट सेवन है उसके पॉइंट्स के बाद तो मुझे कुछ नहीं देखना तो मैं क्या कर दूंगा फिक्स कर दूंगा वो फिक्स कैसे करेंगे आप लोग यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करेंगे सिंगल क्लिक मतलब कहीं भी आप सिंगल क्लिक कर दो जैसे मुझे नंबर ऑफ ब्रिक्स में करना है यहाँ पे कहीं भी क्लिक करा मैंने और यहाँ पे आपको क्या करना है इस फॉर्मेट यूनिट में जाना है फॉर्मेट यूनिट में जाने के बाद इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आएगा यहाँ पे इसको आप अनचेक करेंगे अनचेक करने के बाद यहाँ पे इस जनरल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिया आपका फिक्स्ड ठीक है अगर आप लोग को राउंडिंग करना है तो जीरो डेसिमल प्लेस आप कितना भी कर सकते हो ठीक है यहाँ पे दिया इतना सारा तो मैं इसको कर दिया जीरो प्लेस, जीरो डेसिमल डेसिमल प्लेस प्लेस से आपका एकदम परफेक्ट बता दिया कितना कि नंबर ऑफ ब्रिक्स लगने वाला है ठीक है यहाँ पे ओके करा तो देखो यहाँ पे आपका पॉइंट्स के बाद कुछ भी नहीं दिखा है एकदम आपको परफेक्ट नंबर दिखा रहा है कि मतलब ये जो 263 सिक्सटी स्क्वायर फीट एरिया वाली जो वॉल है उसमें आपका इतना ब्रिक लगेगा उसकी लेंथ बता दिया उसका विथ बता दिया चलो मैं यहाँ पे ये जो 205 है इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे हाईलाइट इन मॉडल कर दूंगा तो ये बता देगा ये जो 205 स्क्वायर फीट एरिया वाली जो वॉल है ये आपको यहाँ पे इस ऑप्शन से बताएगा कि कौन सी वॉल है ये आपको दिखा रहा है देखो यहाँ पे ये है ओके okay करा शो शो थ्री में जाना है तो बार बार आपको शो पे क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे व्यू ओपन करके दिखाएगा क्लोज़ करा तो देखो ये ये वाली व्यू है मतलब ये वाली वॉल है पर आप देख सकते हो दोस्तों इसने वॉल को सेलेक्ट नहीं किया है मैं शेड्यूल किसका बना रहा हूं वॉल का बना रहा हूं तो ये आपका वॉल का ही बता रहा है ओके मतलब कि ये डोर वाला एरिया को छोड़ के बता रहा है यहाँ पे जितना भी जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसका ये डोर को मैं अभी यहाँ पे मैं शीट में आता हूँ वॉल शेड्यूल टू आप देख सकते हो ये 205 का यहाँ पे लेंथ कितना दिखा रहा है टू फा ट्वेंटी फिट सिक्स इंच दिखा रहा है और नंबर नंबर ऑफ ब्रिक्स इतना दिखा रहा है वन फोर डबल फाइव अब जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ ठीक है कौन सी वॉल थी मेरी यही वाली वॉल थी शायद थ्री में आता हूँ मैं इसके पास ये डोर को मैं डिलीट कर दिया ठीक है वापस मैं इसमें आऊँगा यही वाला था हमारा पच्चीस फीट छः इंच तो है मतलब लेंथ वैसी की वैसी है मगर देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स बढ़ गए पहले 14 कुछ समथिंग था अभी देखो 1603 है अब वापस मैं वही वाले व्यू में जाता हूँ थ्री में आया वन सिक्स जीरो थ्री और दो सौ छब्बीस स्क्वायर फीट वाला है ठीक है पच्चीस फीट छः इंच वाला वन सिक्स जीरो थ्री दिखा रहा है थ्री डी में आया इस डोर को भी डिलीट कर दिया वापस से शेड्यूल में आऊँगा अब देखो ये बढ़ गया वन सेवन फाइव टू डेट मीन्स ये क्या कर रहा है हमारा उस डोर को छोड़ के वो आपका क्या निकाल रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स मतलब वो डोर को सेलेक्ट कर ही नहीं रहा है वो सिर्फ वॉल को ही सेलेक्ट कर रहा है क्योंकि हम लोग वॉल शेड्यूल निकाल रहे हैं ठीक है थीके? तो यहाँ से वापस मैं थ्री में आऊँगा और यहाँ पर कंट्रोल रेड कर लेता हूँ ठीक है वापस से मैं शेड्यूल में आया तो जितना था देखो चौदह पचपन था चौदह पचपन आपको यहाँ पे दिखा दिया ठीक है तो ये तो रहा दोस्तों आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स मतलब कि इस दीवार में या फिर इस वॉल में कितना ब्रिक्स लगेगा अब मेरे को निकालना है कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स तो ये कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो ये वॉल शेड्यूल को यहाँ पे यहाँ पे यही बस मुझे एक टाइप चाहिए आर्किटेक्चर में गया व्यू में जाऊँगा Close पे क्लिक करूंगा तो ये बस ये मेरा रहेगा ओके तो कॉस्ट ऑफ ब्रिक आप लोग क्या करना है फिर से आप को यहां पे एडिट में, में, पे पे है, है? में क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखना है आपको कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स ठीक है अब कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स यहाँ पे लिख दिया अब फॉर्मूला क्या बनेगा ठीक है फॉर्मुला में यहाँ पे इस थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स को क्लिक करा और यहाँ पे ओके कर दूंगा ठीक है अब यहाँ पे मैं इन करूंगा अगर आपका ब्रिक का रेट है एक ब्रिक का रेट है फॉर एग्जाम्पल सात रुपये है या फिर आठ रुपये है जितना भी है ठीक है मैंने यहाँ पे लिख दिया सेवन ठीक है तो इससे मेरा यहाँ पे क्या निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ ब्रिक निकल जाएगा यहाँ पे ओके करा अगेन ओके करूंगा तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ब्रिक मेरा निकल गया है ठीक है ये भी अब डेसिमल दिखा रहा है यहाँ पे क्लिक करा यहाँ पे मॉडिफाई में आना है जैसे अगर आप लोग यहाँ पे हो यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो आपका वो नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे मॉडिफाई में आना है फॉर्मेट यूनिट में जाएंगे इसको अनचेक करेंगे यहाँ पे जनरल से कर दूंगा इसको करेंसी ठीक है यहाँ पे तो हम लोग का रूपी नहीं दिखा रहा है इसको न नहीं रखेंगे जीरो डेसिमल प्लेस तरफ रखेंगे और इसको ओके okay कर दूंगा मैं तो देखो आपका एक सिंगल डिजिट आपको यहाँ पे बता रहा है सिंगल डिजिट मतलब पॉइंट्स के बाद कुछ भी नहीं दिखा रहा है ठीक है तो मतलब ये वाले वॉल का आपका इतना कॉस्ट लगेगा ये वाले वॉल का आपका इतना कॉस्ट लगेगा ठीक है पर मुझे जैसे मैंने यहाँ पे वॉल शेड्यूल निकाला है यहाँ पे दिखा जाए टोटल इतना कॉस्ट लगेगा अब ये टोटल कैसे निकालते हैं वॉल शेड्यूल रूम में आ जाता हूँ जो भी हम लोग बनाए हैं तो इसका अगर आपको टोटल निकालना है तो क्या करेंगे प्रॉपर्टीज पेलेट अगेन फील्ड्स में जाएंगे या यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे ठीक है एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जाना है फॉर्मेटिंग में जाने के बाद ये सब का अगर आपको मतलब सिंपल अगर आपको कॉस्ट ऑफ ब्रिक निकालना है तो कॉस्ट ऑफ ब्रिक को सेलेक्ट करो या फिर आपको सबका निकालना है टोटल कितना है तो सबको सेलेक्ट कर लो एक साथ ठीक है यहाँ पे दिया है नो no कैलकुलेशन इसको क्लिक करके क्या करेंगे आप लोग कैलकुलेट टोटल ठीक है कैलकुलेट टोटल कर दिया ठीक है अब यहाँ पे शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग में जाना है शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग में जाने के बाद यहाँ पे ग्रैंड टोटल करना है ग्रैंड टोटल के बाद यहाँ पे जो टाइल काउंट टोटल दिया है इसको कर देंगे आप टोटल्स ओनली ओके यहाँ पे ओके okay करेंगे तो देखो यहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ ब्रिक का टोटल दिखा दिया नंबर ऑफ ब्रिक का टोटल दिखा दिया लेंथ टोटल कितनी है वो बता दिया यहाँ पे पूरा आपको टोटल दिखा दिया है ठीक है अब जैसे अगर आप चाहते हो कि वॉल्यूम मेरा भी किस में दिखा रहा है क्यूबिक फीट में दिखा रहा है अगर आप चाहते हो ये हमारा क्यूबिक मीटर में दिखाया है तो आपको क्या करना पड़ेगा सिंगल इसको क्लिक करना है फॉर्मेट यूनिट में जाना है इसको अनचेक करेंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे क्यूबिक मीटर ओके okay किया मैंने तो देखो दोस्तों ये आपको क्यूबिक मीटर में दिखा दिया अगर आपको जो भी चीज़ को चेंज करना है जैसे ये मेरा लेंथ है लेंथ को भी चेंज करना है आपको यहाँ पे अनचेक करेंगे इसको कर दिया मैंने मीटर ओके किया तो ये आपका देखो ये मीटर में दिखा देगा ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग वॉल शेड्यूल करते हैं मतलब कि इसका एस्टिमेशन निकालते हैं ठीक है अभी जो हम लोग एस्टिमेशन निकाले वो है नंबर ऑफ ब्रिक्स का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉस्ट ऑफ सीमेंट एंड कॉस्ट ऑफ सैंड के बारे में जानेंगे ठीक है एक और चीज आप लोग को बता देता हूँ जो कि मैं आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था फिर से एक और बता देता हूँ जैसे कि अगर मैं जो भी वॉल को सेलेक्ट किया जैसे ये है मेरा एरिया दो ठीक है हाईलाइट करूंगा यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा मतलब कि कौन से वॉल का हम लोग का ये एरिया निकाला है वॉल्यूम निकाला है या फिर नंबर ऑफ ब्रिक निकाला है तो अगर आप लोग को ये देखना है तो आप लोग कोई सी भी एक चीज़ को सेलेक्ट कर लो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया 208 सौ स्क्वायर फीट को और यहाँ पे हाईलाइट इन मॉडल पे क्लिक करूंगा ओके okay करेंगे तो ये आपको बता देगा देखो ये ये वाली वॉल का दिखा रहा है और शो करेंगे तो ये आपको बताते जाएगा ठीक है साइड व्यू में आ गया अभी देखो यहाँ पे साइड व्यू दिखा हुआ है ग्राउंड लेवल यहाँ पे ग्राउंड लेवल थ्री में ज़्यादा अच्छा दिखेगा तो इसके लिए आप लोग को शो पे बाबा क्लिक करना पड़ेगा थ्री तो डी में जाएगा क्लोज करा तो ये इस वॉल की बात कर रहा है आप देख सकते हो मेरा विंडो सेलेक्ट नहीं है ना मेरा डोर सेलेक्ट है वॉल बोला तो सिर्फ ये आपका वॉल का ही एस्टिमेशन निकालेगा मतलब कि इसका शेड्यूलिंग करेगा ओके okay? तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग इसका एस्टिमेशन निकालते हैं ओके okay? तो ठीक है दोस्तों आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही नेक्स्ट वीडियो में 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 लोग रेविट के के बारे बारे और भी चीजों जानेंगे सो थैंक यू सो मच